बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है। The entire system is in our control. किसके कारण हुई विक्रम वेधा फ्लॉप? कैसे मिला पोनियन सेल्वन को अच्छा रिस्पॉन्स? क्या गॉडफादर 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, विक्रम वेधा ने सोमवार को 5 करोड़ 39 लाख रुपीज का कलेक्शन किया था। इसके बाद मंगलवार को 5 करोड़ 77 लाख रुपीज, तो बुधवार को 7 करोड़ 21 लाख रुपीज रहा। लेकिन गुरुवार को कमाई में फिर गिरावट देखी गई और महज 3 करोड़ 26 लाख रुपीज का कलेक्शन ही हो पाया। वहीं अब शुक्रवार को आए शुरुआती आंकड़ों की बात करें तो 8वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 70 लाख रुपीज कमाए हैं। ऐसे में अब फिल्म का कुल कलेक्शन 61 करोड़ 27 लाख रुपीज हो गया है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्म गुडबाय सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए पुष्पा फेम, रश्मिका मंदाना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। हालांकि नीना गुप्ता, सुनील ग्रोवर और पवन गुलाटी की ये फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपीज की कमाई की है। साथ ही आपको बता दें कि विक्रम, जयम रवि, कार्थी, त्रिशा और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे सितारों से सजी पोनियन सेल्वन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। फिल्म ने 8 दिन में कुल 182 करोड़ 5 लाख रुपीज का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि दूसरे हफ्ते में PS1 की कमाई में गिरावट देखी जा रही है, जहां फिल्म ने गुरुवार को महज 11 करोड़ 75 लाख रुपीज का कारोबार किया था, वहीं शुक्रवार को फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि चिरंजीवी और सलमान खान की फिल्म गॉडफादर बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। गुरुवार को 13 करोड़ कमाने वाली ये फिल्म शुक्रवार को 8 करोड़ 50 लाख रुपीज तक जा पहुंची है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब 41 करोड़ 70 लाख रुपीज हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म हफ्ते के अंत तक 100 करोड़ रुपीज का आंकड़ा पार कर लेगी। और दोस्तों, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा ने पहले हफ्ते में 58 करोड़ 57 लाख रुपीज का कलेक्शन किया है। वहीं दूसरे हफ्ते में एंट्री के साथ ही फिल्म की कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को आए शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 8वें दिन 2 करोड़ 70 लाख रुपीज का कलेक्शन किया है। ऐसे में अब फिल्म का कुल कलेक्शन 61 करोड़ 27 लाख रुपीज हो गया है। लेकिन हाई बजट होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। तो दोस्तों, आप इस बॉक्स ऑफिस की गणित से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और हाँ, लगे हाथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।